नमस्कार बच्चों, आपका स्वागत है मेरा YouTube चैनल मैथ्स विद अमरजा में। इस वीडियो में हम क्लास 10th का स्टैंडर्ड मैथ जो जिसका कोड 041 है उसके प्री बोर्ड एग्जाम 2021-22 जो टर्न टू का प्री बोर्ड एग्जाम 2021-22 जो दिल्ली सरकार या DOE द्वारा लिया गया था उसका क्वेश्चन नंबर 13 जो केस स्टडी टाइप सवाल है उसको लेकर के उपस्थित हूँ। यहाँ पे देखिए इसमें कुछ कमियाँ हैं जिस वजह से बच्चों को तो दिक्कत आई ही आई है, तो उम्मीद करता हूँ जो कि आगामी जो CBSE द्वारा पेपर लिया जाएगा इस तरह की कमियां नहीं नजर आएगी। देखिए यहाँ पे बात किया गया है त्योहारों के मौसम में नेहा ने अपने घर पर केक बनाया। ये जो क्वेश्चन पेपर है स्टैंडर्ड मैथ का इवनिंग शिफ्ट का है, ठीक है। तो आइए देखें इसमें कह रहा है त्योहारों के मौसम में नेहा ने अपने घर पर बना केक और चॉकलेट भरने के लिए बेलनाकार जार और घनाकार डिब्बे खरीदे। प्रत्येक जार दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर ऊंचा और इसका व्यास 11 सेंटीमीटर है। जार और डब्बों को चॉकलेट से भरने के बाद कुछ चॉकलेट बची थी जिसके लिए बेलनाकार जार खरीदे गए जिनका आयतन पिछले जार के आयतन का 1/4 है। यहाँ पे जो क्वेश्चन में बात किया गया है तो बेलनाकार बर्तन का तो जानकारी दिया गया है लेकिन इसकी जानकारी नहीं दिया गया है। इसमें कुछ कंफ्यूजन हो गया, बच्चे भी जब बनाए होंगे तो ऑब्वियसली उनको दिक्कत का सामना करना पड़ा होगा। तो देखिए वैसे यहाँ पे पहला जो सवाल है, यदि नए जार की त्रिज्या पुराने जार की आधी है तो जार की ऊंचाई क्या होगी। पहले तो आयतन क्या कह रहा है, आयतन जो है पिछले जार के आयतन का 1/4 है, तो ये छोटे वाले जार का जो आयतन होगा इसका हम मान लेते हैं जो कि ये R है और ये H है, ये H है त्रिज्या और इसका इसकी त्रिज्या छोटे वाले की त्रिज्या R और बड़े वाले का सॉरी और इसकी ऊंचाई H है और इसकी जो हम दर्शाएं ये R और H मान लेते हैं। तो कह रहा है जो बड़े वाले का जो नए जार हैं यानी ये वाली जार, तो इसका आयतन जो होगा क्या होता है आपको पता है जो कि बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर और एच। ये जो है पहले तो कह रहा है जो कि बड़े वाले जार का आयतन का आधा है, मतलब पिछले जार के आयतन का 1/4 है, तो ये हो जाएगा 1/4 और पाई और ये आर स्क्वायर और H, ठीक है। ये तो इसके मुकाबले हो गया। अब कह रहा है नए जार की त्रिज्या पुराने जार की आधी है, यानी ये जो नए जार की त्रिज्या है पुराने जार की यानी R बराबर में बड़े जार का आधी है, तो ये है। तो ये देखिए यहाँ तो पुट कर दीजिए, ये पाई और आर स्क्वायर, तो ये आर बाय टू का स्क्वायर हो जाएगा, तो आर बाय टू रख ले और इनटू एच बराबर में 1/4 और पाई और आर स्क्वायर और एच। तो देखिए पाई से पाई कट गया, ये 1/2 मतलब 2 जब 4 होता है ये कट गया, R इंटू R यानी R स्क्वायर हो गया, तो ये H बराबर H और ये H किसके बराबर दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे हम R के
को ही रख करके हमने कर लिया 11/2 भी रख सकते हैं, तो h बराबर में h। अब पुराने जार के ऊंचाई क्या दिया गया है, 14 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे बराबर में 14 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो गया, यानी इसमें कह रहा है जो नए जार की ऊंचाई क्या होगी, तो नए जार की ऊंचाई 14 सेंटीमीटर हो गया। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, जो सेकंड पार्ट है उसमें कुछ कमी है। यहाँ पे घनाकार डब्बे की बात किया गया, और घनाकार डब्बे जो क्यूबिकल बॉक्स है उसकी जानकारी नहीं दिया है। इसको यदि पढ़ने से पता चलता है, त्योहारक मतलब ये जो केक बना है उसको चॉकलेट और केक बना हुआ है, तो बेलनाकार जार और घनाकार डब्बे खरीदा, जार कितना है ये भी नहीं दिया है। अब एक का निकालना है, यहाँ पे प्रत्येक जार 14 सेंटीमीटर ऊंचा और इसका व्यास दिया हुआ है। जार और डब्बों को चॉकलेट से भरने के बाद कुछ चॉकलेट बची है, तो यहाँ पे जार और डब्बे का आयतन बराबर लिया गया है, उससे इसको सॉल्व किया गया है, जो जानकारी अधूरी है। ये इस पे एज की चर्चा नहीं किया गया है, तो इसका जो आयतन होता है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इजकल टू वॉल्यूम ऑफ क्यूब। अब सिलेंडर का क्या होता है, पाई आर स्क्वायर और एच, और इसका ए क्यूब। अब पाई तो 22/7 हो गया, और आर की वैल्यू जो है देखिए, व्यास दिया हुआ है 11, यानी डायमीटर दिया हुआ है, तो इसका हाफ होगा 11/2, 11/2 इंटू 11/2, और ऊंचाई 7 दिया है, ऊंचाई जो हाइट दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर दिया हुआ है यहाँ पे 14 सेंटीमीटर, तो 14 का यूज करें, बराबर में एक क्यू। अब देखते हैं 7 × 14 होता है, अब 1, 2 से 2 कट गया, इस 2 से 11 बचा, यानी ये हो गया 11 का क्यूब बराबर में एक क्यूब, तो इस तरह से ए बराबर हो गया 11 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आते हैं इसको रैप करने में, कह रहा है जो कि 24 सेंटीमीटर जो है वो एक्स्ट्रा उसको फोल्ड करने में, तह लगाने में, आप जब चिपकाते हैं तो उसके अंदर कुछ सीट को डालना होता है, तब जाकर के उस पर चिपकाते हैं, तो उसमें फोल्ड करने में 24 सेंटीमीटर लग गया, तो इसका आपको निकालना है कितनी सीट चाहिए। तो यहाँ पे एक के लिए निकालना है, तो एक का जो है आपको पता है जो कि डब्बे को जो रैप किया जाता है तो कितने पार्ट पे किया जाता है, टोटल सरफेस एरिया पे, तो लिखें TSA ऑफ क्यूब, क्यूबिकल बॉक्स क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबिकल बॉक्स या घनाकार डब्बे का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 6A², तो 6 × 11 × 11 जिसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए ये हो जाएगा 6 और 121, तो ये हो जाएगा 6 और 12 = 72, इतना सेंटीमीटर, और फोल्ड करने में आपको 24 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा लग रहा है, तो टोटल सीट रिक्वायर्ड फॉर पैकिंग, तो यहाँ पे लिखें टोटल सीट रिक्वायर्ड फॉर पैकिंग इजकल टू टी एस ए
TSA ऑफ क्यूब और प्लस में जो एक्स्ट्रा यूज हुआ है 24 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये हो गया 726 और प्लस में 24 और सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये हो गया 750 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इसका आंसर है। लेकिन ये जानकारी अधूरी दिया गया है। उम्मीद करता हूँ जो कि आगामी जो आपका बोर्ड पेपर होगा उसमें इस तरह की कमियां नजर नहीं आएगी। अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।